हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट तो अभी हम लोग सीखेंगे कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट जिसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होता है तो सिंपल सा कंसेप्ट है, आप उससे रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला को याद कीजिए। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो वर्क से रिलेटेड कोई फॉर्मूला को याद कीजिए। तो जब सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको याद आएगा तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए वर्क को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, नॉर्मली डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से भी और बहुत बार डी स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो अब सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। अब देखिए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग पहले ही देख चुके हैं क्या होता है, MLT-2। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो लेंथ क्या है, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ये तो सात फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल हो गया, मतलब यहां से आप देख लीजिए वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम एल का पावर 1+1 2 ऐड हो गया, टी का पावर -2, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क।